मैं सोच रही थी हम जवाब का इंतजार क्यों कर रहे हैं भाई। सारी मंगनी की तैयारी कर लेते हैं उसके आने से पहले। जब वो आएगा तो झट मंगनी झट ब्याह। क्यों अरुज? जैसे आप लोगों को ठीक लगे। बिल्कुल ठीक कह रही हो नादरा, मैं भी चाहती हूँ उरुज जितनी जल्दी हो सके हमारे घर आ जाए हमेशा के लिए। ये चली गई थी ना वापस, तो पता मैं बहुत उदास हो गई थी। लो सुन रही हो तुम, तुम्हारी होने वाली सास तुम्हारे बगैर उदास हो रही है। नरगिस ऐसा क्यों नहीं करती कि जवाब तो है नहीं यहाँ, ये यहाँ शिफ्ट हो जाए ताकि सारी शॉपिंग जो भी है वो साथ कर लो तुम दोनों, हैं अरुज? हाँ हाँ, मुझे तो कोई एतराज नहीं। इफ्रा जी, रशीदा से बोलो कि चाय बनाए और अच्छे से खाने का इंतजाम करे। जी। और ये राशिद क्यों नहीं आया अभी तक? पता नहीं। तो पता करो ना, बाप की तो एक एक पल की खबर रखती हो, और मेरा बच्चा जो तुम्हारे लिए दिन रात एक कर रहा है उसका तो तुम्हें पता ही नहीं कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कब आ रहा है। मैंने फोन किया था मगर फोन नहीं उठाया मैंने। वैसे नरगिस, हमारे राशिद के साथ तुमने सही नहीं किया, पहले वो समरा और अब आपने। अगर किसी किस्म की कोई फजूल बात की ना मेरी बहन के लिए तो फिर मैं भी लिहाज नहीं करूंगी। लिहाज तो मेरा खत्म हो जाएगा अगर मेरे सामने मेरी बहन के साथ बकवास की तो। चलो शक्ल गुम करो अपनी। बिल्कुल ठीक किया, इसको इसी तरह से इसके औकात पे रखो। हाँ। वैसे आंटी बड़ा हौसला है आपका, कितनी बदलिहाज है ना ये, पता नहीं जवाब को इसमें क्या पसंद आया था। बस बेटा क्या बताऊं, किस्मत खराब है हमारी। और मेरा जवाब, अरे वो तो है ही मासूम। मुझे तो डर लग रहा है। क्यों, तुम्हें क्यों डर लग रहा है? कहीं अभी भी जवाब के दिल में इसके लिए? अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, तुम वहम मत पालो। जवाद ने तो खुद इनकार किया था इससे शादी के लिए। क्या हो गया? सब खैर है? यहाँ अकेली बैठी हो? सब कहाँ थे आप, इतनी देर लगा दी, कम से कम मुझे तो बता के जाते। वो मैं जरा अपने दोस्तों उस के साथ चला गया था। कहाँ? बस ऐसे ही, वो खाने पीने चला गया था, चस्का पता तो है, शौकीन हूँ। हाँ तो बता के जाना चाहिए था ना, ताई अम्मी पूछ रही थी आपका। बताना भूल गया, वो बैटरी डेड हो गई थी। क्या कह रही थी अम्मी, कुछ बोल रही थी? ऐसा हो सकता है कि वो बगैर कहे रह ले। वैसे एक बात मुझे अच्छी लगी, तो मेरा इंतजार कर रहे हो यहाँ बैठ के, क्या बात। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जिस तरह अपने दोस्तों के साथ गए। कहा तो है बैटरी डेड हो गई थी, बस गलती होगी ना, अगली बार जाऊंगा तो बता के जाऊंगा। बतुल खाला को फोन किया था मैंने। ओ वो रिश्ते करवाने वाली चलाको सी, तुम कहीं चचा फयाज की शादी तो नहीं कराना चाह रही? नहीं बिल्कुल नहीं, वैसे भी अब्बू तो नहीं मानेंगे। अब्बू को अम्मी से बहुत मोहब्बत थी, वो अम्मी की जगह किसी को नहीं देंगे।
तो फिर क्यों किया था? मुलाजिम का कायम है ताकि अबू की देखभाल करे। ये काम भी करती है वो? वैसे एक बात है, असल में चचा फयाज की शादी करवा ही दो। पता है जिस तरह औरत ख्याल रख सकती है ना, और नजरें भी रख सकती है अपने मियाँ पे, कोई नहीं रख सकता। वो नहीं मानेंगे। और अगर मर्द ने बिगड़ना हो तो बीवी की नजर भी कुछ नहीं कर सकती। क्यों देख रही हो? वैसे बात सही है, मीटर कभी भी घूम सकता किसी का। आओ ऊपर आ जाओ, मच्छर बहुत हैं इधर। सना ऊपर है?